हमारे भारतीय मुद्रा का भाव बढ़ता और घटता रहता है और हर भारतीय की चाह होगी कि एक डॉलर एक रुपए के बराबर हो जाए। तो क्या होगा अगर डॉलर और रुपये रातों रात बराबर हो जाए? इससे क्या प्रभाव और दुष्प्रभाव होंगे? नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न बाबा के तीसरे एपिसोड में मैं मुक्तेश आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहली बात, किसी मुद्रा की ज्यादा कीमत होना उस देश की बेहतर इकोनॉमी को नहीं दर्शाता। अगर ऐसा होता तो बांग्लादेश की इकोनॉमी जापान से ज्यादा मजबूत होती, क्योंकि एक बांग्लादेशी टक्का लगभग 1.5 जापानी येन के बराबर होता है। सबसे पहले हम इससे होने वाले लाभ के बारे में जानते हैं। आयात के सस्ते होने की वजह से हम भारतीयों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में खरीदारी काफ़ी सस्ती हो जाएगी, जो कि एक विकासशील देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लग्जरी सामानों की खरीदारी भी हम भारतीयों के लिए काफ़ी सस्ती हो जाएगी। एक उदाहरण के तौर पर आईफोन 7 मात्र 650 रुपये में खरीदा जा सकेगा, जिसका मूल्य अभी लगभग 55,000 रुपये है। क्योंकि आयात शुल्क में कमी आएगी, पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से सामानों का दाम भारतीय बाजार में कम हो जाएगा। सोचने में तो काफ़ी अच्छा माहौल लग रहा है, पर ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि इस कहानी का दूसरा पहलू कुछ और ही है। जानते हैं अब इसके दुष्परिणामों के बारे में। निर्यात महंगे हो जाएंगे, दूसरे देशों की तुलना में भारतीय सामान काफ़ी महंगे होंगे। क्यों कोई हमसे महंगे दामों में वही चीज़ खरीदेगा जो उसे दूसरे देश सस्ते दामों में उपलब्ध करा सकते हों? भारत में विदेशी निवेश का सबसे मुख्य कारण है यहाँ का सस्ता लेबर। क्योंकि दूसरे देश निवेश के सस्ते विकल्प दे रहे होंगे, यहाँ का विदेशी निवेश नाटकीय रूप से कम हो जाएगा। एक एवरेज इंजीनियर की सैलरी 75,000 रुपये होती है। कौशल के अनुसार अगर देखें तो ऐसे ही इंजीनियर की सैलरी अमेरिका में $3,000 होगी। कोई भी कंपनी किसी इंजीनियर को $75,000 क्यों देगी, जब उन्हें यही काम $3,000 में मिल सकता है? ऐसी स्थिति में इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, अकाउंटेंट सभी अपना रोजगार खो देंगे। भारत में कार्यरत कंपनी भी यहां से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि यहां व्यापार करना उनके लिए लाभदायक नहीं होगा। सबसे ज्यादा आईटी और सर्विस सेक्टर प्रभावित होगी, जो कि भारत के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देती है। ऐसी ही परिस्थिति 2007-2008 में हुई थी, जब एक डॉलर की कीमत 40 रुपये हो गई थी। आयात तो काफ़ी अच्छे थे, पर बीपीओ सेक्टर और आईटी सेक्टर को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। तो डॉलर और रुपये का बराबर होना एक विकासशील देश के लिए तो ठीक नहीं लगता। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें विदेशी निवेश की क्या ज़रूरत है, हम स्वदेशी इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें, ये काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि हमने 1990 तक के ऐसा करके देख लिया कि हमारे इकोनॉमी का क्या हाल था। 1990 के ग्लोबलाइजेशन के बाद ही हमारी इकोनॉमी मजबूत हुई। अगर हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं तो दूसरे देश भी हमारे वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, जिससे निर्यात में गिरावट आएगी। कुछ ऐसी ही स्थिति 1986 में जापान की हुई थी। एक डॉलर 280 जापानी येन के बराबर होता था, जो कि मजबूती पकड़ते हुए एक डॉलर 140 येन हो गई। उसके वजह से जापानी इकोनॉमी में इतना गिरावट आया जिससे वह आज तक नहीं उबर पाया। चाइना में फिक्स करेंसी सिस्टम है, जिसमें चाइनीज खुद अपने मुद्रा का मूल्य निर्धारित करते हैं और वे हमेशा अपने मुद्रा का मूल्य गिराते रहते हैं ताकि उनका निर्यात बढ़ता रहे। हमारे वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर रुपये के गिरते हुए दाम से कभी चिंतित नहीं रहते, बल्कि उनको मार्केट की अस्थिरता की फिक्र होती है। भारतीय रुपये का स्थिर होना बहुत महत्वपूर्ण है। अब चाहे वो 50 पे, 60 पे या 70 पे स्थिर हो, अगर आज एक डॉलर 60 रुपए है और कल 70, तो ये काफी अस्थिर कहलाएगा, जो कि हमारे अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। 1975 में हमने फ्लोटिंग करेंसी सिस्टम अपना लिया, जिससे वित्त मंत्री या आरबीआई गवर्नर
रुपये का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते। मार्केट में रुपये की डिमांड और सप्लाई ही उसका मूल्य निर्धारण करेगी। पर वित्त मंत्री और RBI गवर्नर का नीतियों पर नियंत्रण जरूर होता है, जिससे इनडायरेक्टली वे रुपये का मूल्य नियंत्रण कर सकते हैं। भारतीय होने के नाते हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे मुद्रा का मूल्य बढ़े, पर किस कीमत पर? जैसा कि हमने देखा कि कीमत बहुत ही ज़्यादा है। विभिन्न चीज़ों का नापने का मापदंड अलग अलग होता है। 1.6 किलोमीटर के बराबर 1 मील होता है। अब चाहे आप दिन में 16 किलोमीटर दौड़ें या 10 मील, बात एक ही है। हो सकता है ऐसा 30-40 सालों में हो जाए। आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और भी ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और यहाँ पर दिख रहे अपने मनपसंद वीडियोस को क्लिक करें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।